इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से ही, जहां पर आगरा के चंबल में के बेहड़ में भेड़िए जो है लगातार सक्रिय हो रहे हैं। लगातार जो है जंगली जानवर रात के समय ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण पर जो भेड़िए हैं उन्होंने हमला किया है। भेड़ियों के हमले से ग्रामीण दहशत के माहौल में रह रहे हैं। लगातार सुनने में आ रहा है कि बहराइच में जंगली भेड़ियों के आतंक के बाद अब आगरा में भी भेड़िए आ चुके हैं। उनके दहशत की वजह से जो ग्रामीण लोग हैं वो काफी परेशान हैं। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता नीरज परिहार के साथ। जी नीरज, आखिर भेड़िए जो आ चुके हैं ये कहां से आए हैं और कितना बड़ा गिरोह है इन भेड़ियों का? देखिए अंचल, जिस तरीके से ये मामला जो है पेड़ोरा थाना पेड़ोरा जो गांव है उसका सामने आया है, जहाँ बगल में ही यमुना का बिहड़ लगा हुआ है, दूसरी तरफ चंबल का बिहड़ लगा हुआ है। लगातार जो जंगली जानवर हैं और जंगली जानवर लगातार जो गांव में घुस रहे हैं, उसके बाद ग्रामीणों पर हमले को जो मामला सामने आया इससे ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। अगर देखा जाए तो बृहस्पतिवार की रात को जो टोड़ोरा गांव में जो एक ही परिवार के जो गांव के ग्रामीण सोए हुए थे और अचानक ही जो भेड़िया ने हमला बोल दिया और हमला जिस तरीके का था उस तरीके से ग्रामीणों में जो है भगदड़ मच गई। ग्रामीण अपने आप को बचाने के लिए घरों में दौड़ पड़े, मगर फिर भी कई लोग उसकी भेड़िए की चपेट में आ गए, जिसमें से करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। और नीरज, क्या एक ही भेड़िए ने हमला किया था या और भी भेड़िए थे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो जिस तरीके से बैराज का मामला आया है उसी तरीके से जो पेड़ोरा क्षेत्र में भी देखा गया है कि ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही भेड़िया आया, क्योंकि अलग अलग ग्रामीणों पर हमले हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से हमले हुए हैं, एक एक जो महिला है और उसका एक पुरुष है, उनको दिन में हमला हुआ है, वही एक परिवार के ऊपर रात में हमला हो जाता है। तो अगर कहा नहीं जा सकता कि भेड़िया एक ही है, भेड़िया की जो तादाद है वो अधिक भी हो सकती है। जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही भेड़िया है, उसकी तादाद अधिक हो सकती है। और जिस तरीके से भेड़ियों ने हमला बोला उससे ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग को भी इस मामले में सूचना दी गई तो वन विभाग पहुंचा है और पूरी तरह से इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर ये जानवर भेड़िया के अलावा और कोई तो नहीं है, इसको भी देखा जा रहा है। और जिन छह लोगों पर जो है हमला किया गया है भेड़ियों के द्वारा, उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, अगर देखा जाए आंचल तो जिस तरीके से भेड़िए ने हमला बोला है और भेड़िए के हमले से जो ग्रामीण घायल हुए हैं उन्हें परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक जो अधीर व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 52 या 53 वर्ष की है, उसे आगरा रेफर कर दिया गया और आगरा में उसकी हालत जो है चिंताजनक बनी हुई है, उसका इलाज जारी है। अगर कुछ कहा नहीं जा सकता और अन्य जो महिला है या पुरुष है उनको भी बुरी तरह से काट लिया और एक मासूम बच्ची है उस पर भी हमला बोला गया है, जिनका इलाज जो है परिजनों द्वारा अस्पताल में कराया जा रहा है। नीरज, अब जो भेड़िया गांव में घुस चुका है उसके लिए अब क्या वन विभाग की टीम ने क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, क्या वन विभाग की टीम इसको लेकर जो है सक्रिय हो चुकी है, क्या पिंजरे लगा दिए गए हैं गांव में? बिल्कुल, जिस तरीके से आजकल जो मामला जो चल रहा है और देखने को मिला है ग्रामीणों में दहशत है, उसके बाद जब सूचना मिली तो वन विभाग की टीम जो है गांव पहुंची है और पूरी तरह से इंतजाम कर रही है कि आखिर ये जंगली जानवर है इसे कैसे पकड़ा जाए, उसके इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो जाल है या फिर अन्य तरीकों से भी देखा जा रहा है कि इसको जो पकड़ने का प्रयास किया जाए और पकड़ने के बाद इसे कहीं दूर जंगल में छोड़ा जाए ताकि ग्रामीणों में इसका दहशत जो है खत्म हो सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है और वो ग्रामीणों के इलाज के लिए भी आगे प्रयास कर रही है, टीकाकरण कर रही है। ये सारे मामला जो है देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार ग्रामीणों का कहना है कि अभी जो है जिस तरीके से हमला हुआ है उन्होंने पूरी तरह से अपने खेतों पर जाना भी बंद कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका जानकारी देने के लिए। एक बार आपको फिर से बता दें कि बहराइच के बाद अब आगरा के चंबल के बेहड़ में भेड़ियों का आतंक जारी है। जंगली जानवर का रात के समय ग्रामीणों पर जो है हमला किया है। आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर जंगली जानवर के द्वारा हमला किया गया है। भेड़िए के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर जंगली जानवर को खदेड़ा। घायलों को इलाज के लिए परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। एक अधेड़ व्यक्ति को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया गया है। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत गाँव पिडोरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।